वेलकम टू माय चैनल कुर्सी वालम। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डेस्कटॉप के या कंप्यूटर के या लैपटॉप के होम स्क्रीन में किस तरह से बबल या फिर 3D टेक्स्ट लगा सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ आ जाने के बाद जो ये दिख रहा है लॉक स्क्रीन, इसमें क्लिक करेंगे और माउस के स्क्रॉल बटन को डाउन करके स्क्रीन सेवर सेटिंग पे चल जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो नॉन ऑप्शन है इसको हम बबल पर कर लेंगे। बबल पर करने पर इसका टाइम बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं। अब प्रीव्यू करके देख लेते हैं। देखिए ये मेरा बबल आ गया है ना। बबल आ जाने पर ये पूरा स्क्रीन पर इस तरह से बबल का ये देखिएगा, ठीक है। इसको अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका लॉक स्क्रीन पर ये बबल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओके कर दीजिएगा, इस तरह से बबल आ जाएगा। और 3D टेक्स्ट लगाने के लिए यहाँ पर बबल का जो ऑप्शन है यहाँ पर 3D टेक्स्ट कर देना है। उसके बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर जो कस्टम टेक्स्ट है यहाँ पर कुछ नाम लिख दीजिए। इसमें मान लेते हैं कि मेरा नाम आर एस महतो ये लिख दिए। अब ये जो फॉन्ट स्विच फॉन्ट है यहाँ से आप फॉन्ट ले सकते हैं, जो भी फॉन्ट लेना चाहते हैं अपने पसंद के अनुसार। यहाँ पर देखिए बहुत सारा फॉन्ट है, इसको चूज कर लीजिएगा। इसको फ़िलहाल हम चूज कर लेते हैं और ओके कर दीजिएगा तो ये फॉन्ट मेरा अप्लाई हो गया। और यहाँ से आप रोटेशन टाइप जो लिखा हुआ है यहाँ से आप उसका किस तरह से रखना चाहते हैं उस तरह से ये काम करेगा। ये बबल के अनुसार रहेगा और स्पिन भी होगा, सीसो होगा, थंबल होगा, है ना। फिलहाल के लिए हम स्पिन पर रख लेते हैं और ये रिफ्लेक्शन जो है इसमें टिक जरूर रखिएगा। उसके बाद ओके कर दीजिएगा, ठीक है। ओके पर क्लिक कर लीजिएगा और प्रीव्यू करके देख लीजिए किस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए हमारे होम स्क्रीन पर इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। देखिए ये घूमता हुआ बबल में इस तरह से दिखाई देता है। और यदि आप दूसरा चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं, बबल रखते हैं इसको, देखते हैं किस तरह से ये इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। तो हम उसके बाद क्या करेंगे कि अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, और पसंद यदि आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। थैंक यू।